नई दिल्ली में चीनी दूतावास के काउंसलर लियू बिंग ने समारोह में भारत की भागीदारी के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। चीन ने ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान के शामिल होने पर भारत से उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने को कहा है। सांसद मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस शपथ में जुड़े थे। लेखी और कासवान समेत दुनिया भर के 41 देशों के कुल 42 हस्तियों ने इस इवेंट में शिरकत की थी। दरअसल चीन ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा नहीं देना चाहता है, उसे हमेशा अपना ही हिस्सा बताया जाता है। साई इंग वेन के शपथ ग्रहण समारोह में लेखी और कासवान की वर्चुअल प्रेजेंस के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार ने ताइवान के प्रति अपनी नीति बदल ली है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली में चीनी दूतावास के काउंसलर लियू बिंग ने समारोह में भारत की भागीदारी के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। इसके लिए उन्होंने सांसद लेखी और कासवान के सामने लिखित शिकायत भी दी, जिसमें उन्होंने दोनों सांसदों की तरफ से दिए गए बधाई संदेश को गलत बताया। बता दें कि भारत ने आधिकारिक रूप से इस कार्यक्रम में भाग नहीं लिया था, इसलिए दो सांसदों की उपस्थिति ने चीन के अधिकारियों को परेशान कर दिया, जिन्होंने उसी दिन आपत्ति जताई थी। हालांकि उस दौरान उन्होंने दोनों सांसदों का नाम नहीं लिया था।